हैशटैग वरुषा की होने वाली है शादी, और आखिरकार ये शादी कहाँ होने वाली है, किस डेट पर होने वाली है, चलिए सारी डिटेल शेयर करते हैं आपके साथ में। नमस्कार, मैं रुजम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वरुण धवन और नताशा दलाल दोनों की लव स्टोरी बड़ी ही अनोखी है। दोनों की लव स्टोरी शुरुआत जो है वो स्कूल कॉलेज से लेकर इंडस्ट्री में आने तक रही है। वेल, आपको बता दूं, कई बार इस चीज को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो चुकी है। वेल, अगर आपको याद हो, जब आलिया भट्ट के साथ में फिल्म आई थी वरुण धवन की कलंक, उस दौरान भी जब वो आलिया भट्ट की बजाय नताशा के साथ में मीडिया के सामने पहुंचे थे, तो करण जौहर भी इस बात पर गुस्सा हो चुके थे। खैर, लेकिन दोनों में प्यार इतना है कि ये जोड़ी हमेशा ही एक साथ नजर आती है। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जब करीना कपूर खान का चैट शो आया था, उसमें भी वरुण धवन ने इस बात का खुलासा किया था कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक मैंने नताशा से शादी कर भी ली होती और हम दोनों शादीशुदा भी होते। और याद हो आपको, करीना कपूर ने भी मंगेतर कह के कहा था। तो अब फाइनली जो है ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि 24 जनवरी को दोनों के दोनों शादी कर रहे हैं, यानी कि वरुषा जो है वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और इनकी शादी जो है वो होने वाली है अलीबाग में। अलीबाग के एक 5-स्टार होटल में पूरी बुकिंग्स हो चुकी हैं। इनफैक्ट 3 दिनों के लिए इस होटल को बुक किया गया है, 22, 23, 24। प्लस यहाँ पर अगर गेस्ट लिस्ट की बात करूँ तो गेस्ट में कहा जा रहा है कि बहुत कम लोग हैं, 60 से 70 लोगों को ही बुलाया जाएगा। और इंडस्ट्री के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो है अलग से मुंबई में आकर एक ग्रैंड पार्टी या ग्रैंड रिसेप्शन आप कह सकते हैं वो रखी जाएगी, जिसके बाद में, और फिलहाल जो है क्योंकि कोविड है, पैंडमिक है, तो कहीं ना कहीं चीजों को जो है वो कम उसमें करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट सारे प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किए जाएंगे। वेल, तो बॉलीवुड हेडलाइंस की टीम की तरफ से वरुषा को बहुत बहुत बधाइयां। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या है आप लोग की राय, आपको कैसी लगती है वरुण धवन और नताशा दलाल की ये जोड़ी, राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।